दी कंजाब के ऑडियो बुलेटिन खबर दिनभर में आपका स्वागत है। आपके साथ में अस्मा खान। तंत्र विरोधी केंद्र के नए कृषि कानून का बहिष्कार कर रहे किसानों का प्रदर्शन शनिवार को भी जारी। कृषि कानूनों पर गतिरोध को खत्म करने के लिए आज सरकार और किसान संगठनों के बीच बैठक है। किसान संगठनों के साथ चर्चा से पहले प्रधानमंत्री आवास पर किसान आंदोलन को लेकर अहम बैठक हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहे। देश भर में व्याप्त किसान आंदोलन में पंजाब की मशहूर एक्ट्रेस जापजी खेरा किसान महिलाओं के बीच उनके समर्थन में पहुंची। किसान महिलाओं के बीच पहुंची पंजाबी एक्ट्रेस ने कंगना रनौत को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि यहां आकर दिखाओ और इन महिलाओं से बात करके दिखाओ। पिछले दिन शुक्रवार के दिन पीएम ने सर्वदलीय बैठक में कहा अगले कुछ हफ्तों में कोविड-19 की वैक्सीन तैयार कर ली जाएगी। देश में करीब 8 ऐसी वैक्सीन हैं जिनका ट्रायल अलग अलग स्टेज पर है। फिलहाल भारत में 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। पीएम मोदी ने कहा कि कोविड-19 की वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं और इसके लिए देश में कोल्ड चेन की व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। चक्रवाती तूफान बुरेवी के खतरे के मद्देनजर पीएम ने तमिलनाडु और केरल के सीएम से बातचीत की। मदद का भरोसा दिलाते हुए कहा, ट्वीट के माध्यम से, हमने राज्य के कई हिस्सों में चक्रवाती तूफान बुरेवी के कारण बन रही परिस्थिति पर राज्य के मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की। देश में पिछले 24 घंटे में 36,595 नए कोविड-19 केस दर्ज, 540 की मौत। इसके साथ ही देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 95,71,559 हो चुकी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस के शोधकर्ताओं ने क्लिनिकल ट्रायल के पहले चरण में 34 वयस्क प्रतिभागियों के इम्यून रिस्पॉन्स का अध्ययन किया, जिसमें पाया कि मॉडर्ना की कोविड-19 वैक्सीन 3 महीने तक शरीर में एंटीबॉडी को बने रहने में मदद करती है, जिसमें सभी आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया गया था। देश में जारी कोरोना के संक्रमण और वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी की अगुवाई में शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक के उपरांत पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीनेशन के मद्देनजर राज्यों से टीकाकरण के लिए तैयार रहने के निर्देश जारी किए। बैठक में लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने भाग लिया। इसके अलावा विपक्षी पार्टी के प्रमुख नेताओं ने भी इसमें हिस्सा लिया। बैठक के बाद पीएम ने कोविड वैक्सीन को लेकर बड़ी बात कही और बताया कि कुछ ही हफ्तों में वैक्सीन आने की संभावना है। कंगना रनौत के पिछले दिनों ट्वीट के माध्यम से एक विवादित टिप्पणी किए जाने के बाद हंगामा खड़ा हो गया। सिख कमेटी ने बिना शर्त माफी मांगने को कहा। कंगना रनौत को कानूनी नोटिस भेजने के बाद अब DSGMC के प्रमुख मनजिंदर सिंह सिरसा ने अभिनेत्री से बिना शर्त माफी मांगने के लिए कहा। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के खंड स्नातक और खंड शिक्षक क्षेत्र में 11 सीटों के लिए चुनाव की मतगणना जारी। गुरुवार से जारी मतगणना के बाद कुछ सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं, जबकि कुछ पर मतगणना जारी है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में SP की जीत। तीसरे नंबर पर बीजेपी समर्थित कैंडिडेट। ये चुनाव बीजेपी के लिए काफी अहम है, क्योंकि 100 सदस्यों वाली UP विधान परिषद में फिलहाल बीजेपी के मात्र 19 विधायक ही हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के 52 विधायक हैं। नतीजों की घोषणा किए जाने के बाद किन्हीं सीटों को लेकर इलाके में हंगामा भी जारी है। पीएम मोदी के निर्वाचन क्षेत्र और भाजपा का गढ़ वाराणसी में। यूपी विधान परिषद के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है, जबकि भाजपा समर्थित प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे। यहां समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव ने निर्दलीय प्रत्याशी प्रमोद मिश्रा को हराया। भाजपा समर्थित प्रत्याशी तीसरे पायदान पर रहे। मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले में भारी मात्रा में विस्फोटक और डेटोनेटर बरामद हुए हैं। 6 की गिरफ्तारी के साथ 1525 किलोग्राम विस्फोटक, 6000 डेटोनेटर भी बरामद किए गए। सहायक पुलिस महानिरीक्षक GK इंगराई ने बताया, कार से 10 पेटी यानी 250 किलोग्राम विस्फोटक, 2000 जिलेटिन छड़ों के लिए रूप में मिली है, 1000 डेटोनेटर बरामद किए गए हैं। गाड़ी में सवार 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। फिलहाल मामले की पड़ताल जारी है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार 9वें दिन जारी है। गुरुवार को 7 घंटे से ज्यादा चली चौथे दौर की सरकार और किसानों की बातचीत बेनतीजा साबित हुई। सरकार का कहना है कि APMC रहेगी, उसे छुएंगे तक नहीं। वहीं किसान इस पर अड़े हैं कि संसद सत्र बुलाकर कानून रद्द कराए जाएं। वहीं किसान नेता कुलवंत सिंह संधू का कहना है कि सरकार ने MSP और मंडी समेत कई प्रस्ताव दिए हैं। किसानों के समर्थन में साहित्यकार डॉक्टर जसविंदर सिंह ने अपना साहित्य अकादमी अवार्ड लौटाने के बाद कहा, अगर एक लेखक लोगों की आवाज नहीं उठा सकता तो क्या मतलब बनता है, मैंने पुरस्कारों के लिए लिखना शुरू नहीं किया। ये बहुत दुखद है कि केंद्र सरकार किसानों पर इतना अत्याचार कर रही है और मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही है। दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को अब चारों ओर से समर्थन मिल रहा है। आज उन्हें बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी समर्थन मिला। फोन पर किसानों की से बात और बात करते हुए कहा, उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस किसानों के साथ है।
दिल्ली आगरा हाईवे पुलिस प्रशासन की ओर से पत्थर और बैरिकेडिंग लगाकर राज्य की आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर बंद किया गया। कल दोपहर करीब 1:30 बजे किसानों ने संघर्ष के बाद पार किया और किसान दिल्ली की तरफ लगातार बढ़ रहे सिकरी बॉर्डर के हालात देख फरीदाबाद पुलिस ने बॉर्डर पर जबरदस्त चौकसी बढ़ा दी है। भारतीय किसान यूनियन संघ के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने अपने बयान में कहा, कृषि बिल दिल्ली की चमकीली कोठियों में बैठकर बनाया गया है। जो सरकारें पिछले 7 साल से केंद्र में स्थापित होने के बाद भी नहीं मिल रही थी, अब किसान उसकी तलाश में दिल्ली आ पहुंचा है। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य और नए कृषि कानून को रद्द किए जाने के मुद्दे पर बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगी। सरकार नहीं मानती है तो देश का किसान अपना विरोध दर्ज कराते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ 26 जनवरी की परेड में शामिल होगा। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर स्थित यूपी गेट पर प्रदर्शन कर रहे किसानों में से एक बुजुर्ग 80 वर्षीय खानचंद तेज बुखार से तप रहे हैं, जिनके अस्पताल चलने को कहा जा रहा है, लेकिन वो किसी भी हालत में धरनास्थल छोड़ने को तैयार नहीं है। साथ ही दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर केंद्र सरकार की बुद्धिशुद्धि के लिए किसानों ने हवन भी किया है। अमेरिका में बाइडेन सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए भारतीय मूल के अमेरिकी विवेक मूर्ति की नियुक्ति सर्जन जनरल के रूप में की है। अमेरिका में सर्जन जनरल का कार्यकाल 4 साल का होता है और वह सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामलों में सरकार का शीर्ष अधिकारी होता है। पीएम मोदी ने पिछले सप्ताह अपने ब्रिटिश समकक्ष के साथ फोन पर बातचीत में उन्हें गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया। गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन के समारोह में शामिल होने की संभावना है। विद्युत जामवाल ने मार्शल आर्ट का प्रदर्शन करते हुए आंख पर पट्टी बांधकर पिघले हुए मूंग को चेहरे पर डालते हुए मार्शल आर्ट को वैश्विक तौर पर पहचान दिलाने की बात कही। विदेश से भारत आई इस विधा ने दर्शकों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। किसानों ने मंगलवार को भारत बंद की घोषणा की है। दिल्ली की सभी सड़कों को बंद किया जाएगा, जिसके अलावा आज किसान नेताओं ने कहा, हम 8 दिसंबर को पूरे देश के टोल प्लाजा फ्री करेंगे और जो दिल्ली के बचे कुचे रास्ते हैं उन्हें भी बंद करेंगे। किसानों ने कहा कि वो कल पुतले जलाएंगे। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखना ना भूलें दी घंटा। धन्यवाद।